स्वागत है आपका इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। हम आपसे फेसबुक के पेज से, आज तक के फेसबुक पेज के जरिए और ट्विटर में पेरिस्कोप के जरिए जुड़ रहे हैं। मेरा नाम है प्रथम द्विवेदी। आज हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स में लगातार हो रही गिरावट की। पिछले 6 दिनों से सेंसेक्स और निफ्टी लगातार नीचे गिर रहे हैं। आज की बात करें तो सेंसेक्स लगभग 550 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ और निफ्टी लगभग 168 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ। और भारतीय निवेशकों को एक बड़ा झटका तब लगा जब सुबह मार्केट खुली और सेंसेक्स लगभग 1250 पॉइंट गिरा और निफ्टी लगभग 500 पॉइंट गिरा और निवेशकों को लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और ये मार्केट लगातार क्यों नीचे जा रही है, क्या इसके पीछे विदेशी कारण है या देशी कारण भी इसके पीछे हैं, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी जी, जो लगातार हमसे आर्थिक मुद्दों पर बात करने। सवाल कि क्या हो गया है कि लगातार जो है मार्केट नीचे जा रहा है? देखिए, ये चोट में चोट लगने की कहानी है। भारतीय शेयर बाजारों को एक पहली चोट बजट से लगी थी। बजट ने शेयर बाजारों को ऐसा कुछ नहीं दिया जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी उम्मीदें थी इससे विपरीत हुआ उनके लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स आया जिसे बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आएगा इस समय, और बाजार निवेशकों को लग रहा था कि उनकी पार्टी जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स आया, दूसरा बजट के जो नंबर्स थे, फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स थे, वो बाजार की उम्मीदों से कुछ ज़्यादा ही खराब थे। बाजार की उम्मीद थी कि फिस्कल डेफिसिट इतना नहीं बढ़ेगा जितना हुआ। इन दो चीजों के बीच में विदेशी बाजारों में गिरावट शुरू हुई। उसपे हम आगे चर्चा करेंगे कि उसकी वजह शेयर बाजार में मंदी का या बिकवाली का माहौल बना हुआ था। इस माहौल की प्रतीक्षा इसलिए की जा रही थी कि शेयर बाजार लगातार बढ़ रहे थे और बजट से पहले बाजारों में काफ़ी खरीदारी हुई थी और बाजार और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने सर्वोच्च स्तरों पर थे। तो बजट के बाद बाजार में बिकवाली शुरू हुई। बजट वाले दिन बाजार एकदम टूटा, फिर बाद में थोड़ा सा रिकवर किया, अगले दिन फिर बाजार टूटा। तो वहाँ से जो गिरावट का दौर शुरू हुआ उसे विदेशी बाजारों की गिरावट ने और सपोर्ट कर दिया। तो जो बड़ी गिरावट हमने पिछले 3 दिनों में देखी, जो आज देखी 1200 पॉइंट की गिरावट, है काफ़ी बड़ी गिरावट थी। पर यही गिरावट प्रथम नहीं थी। आज मार्केट इसके नीचे भी काफ़ी गया। बाजार ने नीचे अपनी कई गहराइयां, कई गड्ढे बनाए नीचे की तरफ, लेकिन बाद में रिकवर किया। दोपहर के समय जब बाजार बंद होने के 1.5 घंटे पहले हमें लग रहा था कि बाजार एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी लेकर वापस लौटेगा और शायद जो घाटा नुकसान हुआ उसको रिकवर कर लेगा। पर आखिरी आधे घंटे में एक बार फिर बिकवाली आई। उस आखिरी आधे घंटे की बिकवाली के बाद जब मार्केट बंद हुआ तो सेंसेक्स करीब 550 पॉइंट नीचे था, निफ्टी करीब 150 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था। इसने बाजार का जो सेंटीमेंट है, अगर बाजार को के सेंटीमेंट को हम समझने की कोशिश करें कि बाजार में कितने शेयर बढ़े कितने शेयर गिरे, अगर उस सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करें तो उसने एक निगेटिव सेंटीमेंट कल के लिए भी सेट कर दिया है। कल जब बाजार खुलेगा तो शायद बाजार में घबराहट, बेचैनी, नरमी, उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सर, एक अखबार ने आज अपनी खबर में आज के दिन को टेरिफाइंग ट्यूसडे करार दिया है और इस टेरिफाइंग ट्यूसडे का जो बिल्डअप है वो लगातार पहले से बन रहा है। अगर विदेशी मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स जो है 26 जनवरी के आसपास, जो अमेरिका का मार्केट है, वो 26 जनवरी के आसपास टॉप पर था और उसके बाद लगातार गिर रहा है और कई सारे विशेषज्ञों ने ये कहा भी था कि अब मार्केट जो है नीचे जाने वाला है। तो कितना असर पड़ा है भारतीय मार्केट में अमेरिका की और एशियाई मार्केटों का, अमेरिकी, यूरोपीय और एशियाई मार्केट? हमें प्रथम समझना होगा कि पहले अमेरिका का बाजार क्यों गिरा। ऐसी कोई बहुत बड़ी तबाही दुनिया में नहीं हो गई कि कोई युद्ध हो गया हो या अचानक कोई बैंक डूब गया हो या कोई बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई। दुनिया बेहतर ढंग से चल रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल रात में जब हम 2-3 बजे तक डाउ जोन्स को ट्रैक कर रहे थे और डाउ जोन्स 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट, एक दौरान तो 1600 पॉइंट तक टूट गया, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ये बहुत दिलचस्प चीज़ है और इसीलिए शेयर बाजार या वित्तीय बाजार हमें हमारी रोचकता जगाते हैं। डाउ जोन्स इस बात पर टूटा कि अमेरिका के बाजार में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो रही। अमेरिका के बाजार में कल कोई ब्याज दर नहीं बढ़ी, कल फेड ने कोई घोषणा नहीं की। लेकिन अगर जो लोग कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझते हैं वो उनके लिए भी है कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स थी, जिनसे कर्ज लिया जाता है बॉन्ड से, वो बढ़ना शुरू हो रही थी क्योंकि फेड रिजर्व ने दिसंबर में ये कह दिया था कि हम आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ाएंगे। दो निगेटिव नंबर आए। एक नंबर ये आया कि अमेरिका में मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़े। अमेरिका में मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़ने और भारत में मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़ने में वो जमीन आसमान का फर्क है। भारत की मुद्रास्फीति का मतलब
फीसदी और अमेरिका की मुद्रास्फीति का मतलब आधा फीसदी, पर वो आधा फीसदी मुद्रास्फीति की बढ़ोतरी भी वहाँ के बॉन्ड मार्केट को डराने के लिए खौफ पैदा करने के लिए बहुत थी। और उसके बाद एक नंबर जो आया जो इकोनॉमी के बारे में थोड़ा अच्छा नंबर नहीं था। इन दो नंबर्स के कारण बाजार में एक निगेटिव सेंटिमेंट बना, और वो निगेटिव सेंटिमेंट इस धारणा पर था कि बाजार इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है अमेरिका का कि उसे गिरना ही है, तो वो गिरने के लिए जैसे मानो एक ट्रिगर तलाश रहा था, उसे लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जहां से हम गिर जाएं। आज भी हम ये नहीं समझ पाए, आज 24 घंटे बाद भी हम नहीं समझ पाए कि डाउ जोन्स में इतनी तेज गिरावट की वजह क्या थी। ऐसी गिरावट तो हम बड़ी क्राइसिस के समय देखते हैं, कोई बैंक डूब जाए, कोई युद्ध हो जाए, कोई दुनिया में क्राइसिस हो जाए, इतनी तेज गिरावट हुई। तो इसका मतलब यह था कि मार्केट कहीं बहुत ओवरबॉट पोजिशन में था, मार्केट को एक जरा सा निगेटिव ट्रिगर मिला और वो नीचे आ गया। और उस नीचे आने के कारण जैसा कि इंटीग्रेटेड फिनेंशियल सिस्टम है, अमेरिका गिरा तो फिर यूरोप गिरा तो फिर एशियन मार्केट गिरे, निके गिरा, हैंगसेंग गिरा, डैक्स गिरे और सारे बाजार गिरे। भारत के बाजार पहले से ही गिर रहे थे, इससे पहले ही वो गिर रहे थे क्योंकि बजट ने उनको डरा दिया था और बजट के कारण बाजार में बिकवाली मौजूद थी। तो ये बाहर से भी खबर आ गई तो एक तो चोट लगी ही थी, दूसरी चोट और आ गई। इसलिए आज के बाजार में हमने बड़ी घबराहट देखी, आज के बाजार में हमने बड़ी गिरावट देखी। हालांकि रिकवरी भी ठीक थी, पर वो रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाई, ये मेरे लिए चिंता लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि लास्ट के एक घंटे में वो रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट वापस काफ़ी ठीक ठाक रेट्स में, रेड में, और काफ़ी ठीक ठाक गिरावट के साथ बंद हुए। सर, तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि जो निवेशक थे वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि मार्केट अब टॉप पर है, कब हम अपना मुनाफा निकाल लें और मार्केट नीचे जाए तो जाने दें। हाँ, ये एक संभावना थी, और ये संभावना भारतीय शेयर बाजार के लिए भी थी और डाउ जोन्स के लिए भी थी। पर दोनों जगह जो तरीके हैं गिरावट के वो बिल्कुल अलग अलग थे। डाउ जोन्स में गिरावट के तरीके ये थे कि बाजार ने लंबे समय बाद पलट के पीछे देखा कि अरे वो तो पड़ोस की दुकान में आग लगी हुई है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं, बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही हैं, बॉन्ड्स के ऊपर ब्याज दरें अमेरिका के बाजार में पिछले एक महीने से बढ़ रही, पर बाजार अपनी पार्टी में इतना मगन था कि उसको देखने का मौका ही नहीं मिला कि हमारी बगल की दुकान पर क्या हो रहा है। जब बाजार एक पीक पर पहुंच गया तब लोगों ने घूम के बगल में देखा, अरे इधर वाली दुकान में तो प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसका डर लेकर बाजार गिरा, और वो गिरावट अमेरिका के बाजारों की थी और उसके बाद वो बाकी जगह फैल गई। भारत में बाजार में जो गिरावट थी या नरमी थी उसे बजट ने ट्रिगर किया, क्योंकि बजट में एक ऐसा प्रोविजन आया जिसके कारण लोगों की पार्टी खराब हुई और उसके बाद बाजार में शेयरों की बिकवाली शुरू हुई। भारत में भी एक लंबे समय से तेजी चली आ रही थी, तो भारतीय बाजार भी इस बात की संभावना ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन आया और उस करेक्शन के साथ लोग वापस बाजार में एंटर कर सके। तो अभी हम इसे स्लंप या टंबल इसे हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप नंबर्स में देखने की कोशिश करें, 1200 पॉइंट की गिरावट हो गई है, और अगर इसे आप नोशनली काल्पनिक रूप से एक गणना के हिसाब से निकालें तो आप कह सकते हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटलाइजेशन मार्केट से निकल गया या 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सेंसेक्स में हो गया। पर ये सारे आंकड़े जो हैं ये नोशनल होते हैं, काल्पनिक होते हैं, फिलहाल बाजार एक करेक्शन के फेज में है। यहां के बाद बाजार किस दिशा में जाता है अगले 2-3 दिन में, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बजट आने के बाद, भारतीय मार्केट की बात करें अगर, तो बजट आने के बाद भी एक बड़ा स्लंप देखने को मिला। सारे लोग इसके पीछे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो चार्ज लगाया गया है उसको कारण बता रहे हैं। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कि बजट के क्या क्या कारक थे जिसकी वजह से जो सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गिरा है, कितना परसेंट अफेक्ट रहा होगा बजट का? स्वाभाविक रूप से शुरुआती गिरावट तो भारतीय बाजार में बजट के कारण ही आई, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस एक बड़ा हिस्सा है, और चूंकि शेयर बाजारों पे पहले से ही काफ़ी टैक्स लगा हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस भी लगा हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी लगता है, तो बजट में दो चीज़ें ऐसी हुई, सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स ही नहीं था, उसके साथ म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगा दिया गया। तो इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी जो लोग निवेश करते हैं, खासतौर से जो छोटे निवेशक SIP के थ्रू पैसा डालते हैं, उनके लिए भी चिंता की बात थी, क्योंकि उनको होने वाले फायदे कम हो रहे थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स तो लगा ही था, तो ये एक निगेटिव ट्रिगर था। इसके साथ जो मैंने कहा, जैसे कि जो मैक्रो इकोनॉमी की तस्वीरें थी, खासतौर पर फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर था वो बेहतर नहीं था, फिर इस बीच में क्या हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का नंबर पहले ही आ गया था, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना पहले से शुरू हो गई थी, तो एक साथ बहुत सारे निगेटिव फैक्टर्स मार्केट में एक्टिव थे। उस बीच में बजट ने उन फैक्टर्स को और ज़्यादा ट्रिगर कर दिया, और चूंकि महंगाई बढ़ी रही थी तो लोगों को इस बात की अपेक्षा थी कि रिजर्व बैंक ब्याज दर में कोई रियायत देने वाला नहीं, जिसकी बैठक कल होने वाली है, तो वो एक साथ बाजार में एक निगेटिव सेंटिमेंट तैयार हो गया। उस निगेटिव सेंटिमेंट
बजट के बाद इतनी बड़ी गिरावट स्टेज की, पिछले 4-5 सालों में बजट के बाद शेयर बाजारों में इतनी तेज गिरावट हमने पहली बार देखी। सर आपने अभी आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग का जिक्र किया और कई लगातार खबरों में ये बात आ रही है कि कई सारे निवेशक इस मीटिंग की वजह से भी अपना पैसा मार्केट से खींच रहे हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है और क्या आरबीआई की मीटिंग इतना बड़ा प्रभाव डाल सकती है मार्केट में? निवेशक की वजह से तो मार्केट से पैसा नहीं खींच रहे, पर निवेशक इस मीटिंग को लेकर कॉशस है। इस मीटिंग को लेकर दो धारणाएं बाजार में, दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि चूंकि महंगाई बढ़ रही है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है, तो अनाज की खाद्यान्न उत्पादों की कीमतें भी बढ़ेंगी और अंतर्राष्ट्रीय कारक भी ऐसे हैं जो महंगाई को सपोर्ट करेंगे। तो क्या रिजर्व बैंक कल ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ चला जाएगा? अगर क्या रिजर्व बैंक 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है? अगर ये कर सकता है तो एक्सट्रीम है, और इस एक्सट्रीम अगर ऐसा होता है तो कल बाजार में और ज़्यादा दिक्कत होगी और ज़्यादा समस्या होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, तो होने की कोई गुंजाइश नहीं है, पर रिजर्व बैंक उसे बढ़ने नहीं देगा, वहीं रोक कर रखेगा। और लेकिन जो चेतावनियां आएंगी वो चेतावनियां शायद महंगाई को लेकर होंगी, वो चेतावनियां फिस्कल डेफिसिट को लेकर होंगी। क्या रिजर्व बैंक भारत की ग्रोथ का जो आकलन उसने पिछली पॉलिसी में किया था उसे घटाएगा? ये बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास घूम रही हैं। कल की पॉलिसी इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि पिछले सरकार और रिजर्व बैंक के सेटअप से ये आखिरी बड़ा पॉलिसी इवेंट बजट हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। अब इसके बाद अगले 6 महीने तक पॉलिसी के लेवल पर कोई बहुत बड़ा ट्रिगर, 5 महीने के तक पॉलिसी के लेवल पर बाजार को कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिलने वाला। इसलिए आज जब हमने एक चीज़ देखी कि हमने जैसा आपसे कहा कि मार्केट फैग एंड में आखिरी एक घंटे में, आधे घंटे में बाजार में गिरावट आई, तो वो जो नर्वसनेस थी वो कल की पॉलिसी को लेकर थी कि क्या अगर रिजर्व बैंक बहुत ज़्यादा हॉकिश होकर ब्याज दरें बढ़ा देता है तो फिर ये ट्रिपल वहमी हो जाएगी कि दो चोट तो थी, तीसरी चोट भी कल बाजार को लग जाएगी। इसलिए वो जो नर्वसनेस हमने आज बाजार में देखी लास्ट में, हमें वो नर्वसनेस हमें यहाँ दिखाई दी। आप भी अपने अगर आपके कोई सवाल हो सकते हैं इस लाइव के दौरान, कोशिश करेंगे कि अंशुमन जी से सवाल पूछें। और जो बड़ा सवाल है दर्शकों के मन में, निवेशकों के मन में, अब ये गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट में, तो कहाँ तक क्या टारगेट है? मतलब मार्केट को अगर आप शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में देखें सर, तो कहाँ कहाँ तक कितना नीचे जाएगी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म? देखिए बाजार के बारे में सबसे कठिन होता है कि आप बाजार को मार्क करें कि बाजार नंबर्स में किस संख्या तक गिरेगा और किस संख्या और कहां तक रुकेगा। इस सवाल का बेहतर जवाब कल मिल सकता है, कल जब रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है। अगर रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी न्यूट्रल रहती है, उसमें ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, बाकी कुछ चीज़ें अगर रिजर्व बैंक चेतावनी देता है तो बाजार इसे एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर रिजर्व बैंक दूसरी डायरेक्शन में चला गया और उसने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी तो कल बाजार में एक समस्या बन दिखाई देगी गिरावट। एक और चुनौती सबसे बड़ी है कि अगर आप बाजार को टेक्निकली देखें, हालांकि हम टेक्निकल लोग चर्चाएं समझना मुश्किल होता है, तो बाजार में कुछ लेवल होते हैं तो जैसे निफ्टी आज जहां पर खड़ा हुआ है 10,500 से नीचे, आज मैं सोच रहा था कि निफ्टी 10,500 के आसपास रुकेगा और वहां रुकने से बाजार का एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्तर मिल जाएगा, परसों दो पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो कल अगर निफ्टी 10,150 के आसपास के नीचे जाता है तो शायद बाजार में गिरावट की संभावना बनेगी। शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स बाजार में उपलब्ध नहीं है, बहुत सकारात्मक संकेत बाजार को लेके आने वाले समय में नहीं रहेंगे। मीडियम टर्म में अगर इकोनॉमी के बाकी नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स बेहतर आते हैं, इसके बाद बाकी रहेंगे, बीच बीच में नंबर्स आते रहेंगे, अगर मान लीजिए आईएमएफ का नंबर अच्छा आता है, सर्विसेज का नंबर अच्छा आता है, सरकार के रेवेन्यू के नंबर्स अच्छे आते हैं, उसके बाद अगर वो अच्छे आते हैं तो वो बाजार में थोड़ा उत्साह बिल्ड करेंगे। दो खेमे हैं बाजार में, एक खेमा यह मान रहा है कि 2018 का समापन 2,000 से 2,500 पॉइंट नीचे बंद होगा सेंसेक्स जहां पर जनवरी में खड़ा था, और दूसरा खेमा यह मान रहा है कि नहीं, बाजार में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, बाजार लगभग उसी स्तर पर 2018 को ख़त्म करेगा जहां पर जनवरी में खड़ा था। मुश्किल लंबा समय है, पॉलिटिकल चेंजेस भी बीच में हैं, चुनाव भी हैं, और ऑयल की प्राइसेस महत्वपूर्ण हैं जो कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पे बड़े पैमाने पर असर करेंगी। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में
हमेशा मार्केट में मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगी, अपने पैसे की सुरक्षा करें, भागने निकलने की जरूरत नहीं है, SIP में पैसा लगाए तो उसको लगाए रखें। लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट हमेशा बेटर रहता है, मैक्रो फंडामेंटल इंडिया के अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में बेहतर है। हमारे दर्शक हैं वो उनका एक एक्सट्रीम प्रेडिक्शन है, मैं बोलना चाहूँगा, भूपेन सिंह अत्री नाम है उनका, उन्होंने बोला है निफ्टी 6400 एंड देन नेक्स्ट 3700। मुझे नहीं लगता है इतना निगेटिव हम नहीं हो सकते। अगर 6400 निफ्टी अगर आप ये तो हाल ऑलमोस्ट बियरिश मार्केट है, और मैं अभी भी मान रहा हूँ, मेरा अभी भी मानना है जितना मैं बाजार को समझ पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, बाजार अभी बियरिश मोड में नहीं पहुँचा है, अभी बाजार मंदी की गिरफ्त में नहीं है। अगर आप कोई भी बेंचमार्क लेवल टारगेट करें तो निफ्टी अगर 10,150 के नीचे जाता है तब हमें दिखाई देगा कि बाजार शायद थोड़े एक लंबे उसके लिए, ये करेक्शन है, करेक्शन और बियर फेज में फर्क होता है, और करेक्शन बाजार के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे निवेशक आज मुझे कहते मिले कि डाउ जोन्स का धन्यवाद, वित्त मंत्री का धन्यवाद, उन्होंने LTCG और डाउ जोन्स लगा के कम से कम बाजार को इस स्थिति में ला दिया कि मैं दोबारा इसमें एंटर कर सकता हूं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि बाजार में कोई लंबी मंदी की दौर का दौर निकल रहा है। हो सकता है बाजार कल बॉटम आउट हो जाए, हो सकता है बाजार कल RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के दो दिन बाद बॉटम आउट हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ बड़ा क्राइसिस जैसी बिल्ट होती नहीं दिख रही कि हम इन नंबर्स की बात करें। इन नंबर्स तो रियली आज की स्थिति में आपको कोई बड़े मंदी के फेज की तरफ इंडिकेट करते हैं। जाते जाते एक हमारे एक दर्शक विगीश त्यागी का सवाल है, SBI बैंक कहाँ तक जाएगा? मैं स्टॉक्स पे कमेंट करना मेरे लिए उचित भी नहीं है, और स्टॉक स्पेसिफिक सवाल लेना मेरे लिए ठीक नहीं है। हम आपको मैक्रो पिक्चर मार्केट की बता सकते हैं, क्योंकि वो बेहतर नहीं स्पेसिफिकली कमेंट करना। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और जैसा कि सर ने कहा कि सभी को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का इंतज़ार रहेगा, तो कल ये देखना होगा कि पॉलिसी रिव्यू में क्या डिसीजन आता है और मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है उसको। और देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए आज तक से। धन्यवाद।